टेंथ ऑब्जेक्टिव और डिस्कस कराता हूं। द इलेक्ट्रिक करंट आई एंटर्स एंड लीव्स अ यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए फॉर अ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। अ इलेक्ट्रिक करंट आई एंटर्स एंड लीव्स अ यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर, यह एक यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर है, थ्रू अपोजिट एंड्स। इधर आई करंट एंटर कर रहा है और इधर आई करंट बाहर निकल रहा है। अ चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्सिस ऑफ सर्कुलर वायर पासेस थ्रू इट्स सेंटर एट अ स्पीड वी। एक चार्ज पार्टिकल जो कि एक्सिस से पास हो रहा है और यह वी वेलोसिटी से सेंटर से पास हो रहा है। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल व्हेन पासेस थ्रू द सेंटर हैज अ मैग्नीट्यूड। वी विल से द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वुड बी जीरो, क्योंकि इसमें करंट आई बाय टू होएगा और इसमें करंट आई बाय टू होएगा। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड द बोर्ड और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड द बोर्ड सेंटर पर, एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने से फोर्स जीरो होएगा, सेंटर पर किसी तरह का चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि इधर करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा आई बाय टू आई बाय टू। इस हाफ के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड और एक हाफ के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड द बोर्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड वुड बी जीरो। नाउ आर सॉल्विंग डाउट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। डीपीएस नंबर वन के डाउट बोल दो। हाँ, 14 और 16, ठीक है, 14 यह दोनों डाउट हम सॉल्व करते हैं। कंसिडर अ स्ट्रेट पीस ऑफ लेंथ x, पहले इनको सॉल्व करता हूं फिर वो भी लिख दूंगा। नाइन लिख लिया। कंसिडर अ स्ट्रेट पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ x कैरिंग करंट i। लेट p बी द पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ द पीस। यह वायर की लेंथ x है, इसमें करंट i है, P एक ऐसा पॉइंट है ऑन द परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ द पीस सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द मिडल ऑफ द पॉइंट। Is very large as compared to x, magnetic field varies like this, whereas for d very very small it varies as 1 by d। हमने स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट i, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के लिए एक्सप्रेशन लिख रखा है। लेट्स रिकॉल दैट एक्सप्रेशन। जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो जो पढ़ाई हुई थ्योरी और थ्योरी को बड़े ध्यान से आपको खोल के दोबारा देखना होता है, आपके फॉर्मूलो जो डिराइव करेंगे उनका रिवीजन हो जाता है। हमने वायर लिया था, वायर डी की दूरी पर था, यह कोई एंगल फाइव वन, यह कोई एंगल फाइव टू, यह एंगल थीटा वन, यह एंगल थीटा टू, और इसके लिए पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नीट्यूड लिखा है म्यू नॉट बाय फोर पाय इंटू आई बाय डी इंटू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू।
या फिर साइन फाइव वन अपॉन साइन फाइव टू, यह हमने एक्सप्रेशन लिख रखा है। जब यह वायर इन्फिनिट लेंथ का होता है तो थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू जीरो पे अप्रोच करती है, तो कॉस थीटा वन भी वन हो जाएगा, कॉस थीटा टू भी वन हो जाएगा और ये टू आई बाई डी हो जाता है। फाइनाइट लेंथ के लिए हमने यह चीज लिखी हुई है। अब इसी समय पर हम इस केस में पॉइंट पी जो कि बाइसेक्टर पर है, तो थीटा वन और थीटा टू इक्वल, थीटा वन इक्वल टू थीटा टू, दैट वुड बी सम इक्वल टू थीटा, और यह जो कॉस थीटा की वैल्यू इन दैट केस हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं। यह देखिए एक ट्रायंगल इमेजिन कीजिए, इसमें बेस होएगा x बाय टू और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय फोर। हम इस तरह से लिख देंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ फोर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं, कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू हो जाएगा टू कॉस थीटा, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू टू आई बाय डी, और कॉस थीटा की जगह एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ फोर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो इस जनरलाइज एक्सप्रेशन को हमको ऑब्टेन कर लेना चाहिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स और डी, किसी भी एक्स के लिए या किसी भी डी के लिए यह एक्सप्रेशन होल्ड करेगा। सबसे पहले देखिए यह इक्वेशन को रिवाइज कर ले, रिकॉल कर ले। अब उन्हें जो कहा है उस काम को करते हैं। उन्हें पूछा है कि यदि d वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू x हो जाए या फिर d वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन कीजिए और प्रूव कीजिए कि वो किस तरह से बनेगा। हियर वी हैव गॉट द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स। अब इस जगह पर हम कहते हैं कि फिजिक्स और कैलकुलस में लिमिट्स का कंसेप्ट का फ्यूजन है या हाइब्रिड प्रॉब्लम है जिसमें लिमिट्स का कंसेप्ट आने। सबसे पहला, इफ डी इज वेरी वेरी स्मॉल, और डी इज पहले वेरी वेरी लार्ज वाला कर लेता हूं जैसा हमने जिस ऑर्डर में दिया, डी इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एक्स, तो मैं इस एक्सप्रेशन को जब डी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एक्स बनाऊंगा तो सीधा सीधा इस एक्स को तो मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, 4d स्क्वायर के मुकाबले इस एक्स को इग्नोर कर दूंगा। इन दैट केस दिस 4d स्क्वायर वुड बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर। इन दैट केस 4d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मे बी अप्रोक्सीमेटेड एस फोर डी स्क्वायर। इस तरीके से हम कह सकते हैं बिकॉज एक्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू डी, तो एक्स स्क्वायर वुड बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू फोर डी स्क्वायर। फोर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मे बी अप्रोक्सीमेटेड एस फोर डी स्क्वायर, and I may rewrite this d as nearly equal to mu naught by 4 pi into 2i by d into x upon under root of 4d square। मैं ऐसे लिख सकता हूं, और
this would become equal to 2D, तो यह हो जाएगा B is nearly equal to mu naught by 4 pi I by इधर 2D, 2 से 2 cancel, D square into X. अब जरा देखिए, if D is very very large as compared to P very very small by D square, B is directly proportional to 1 by d square. X is a wire of finite length और यह point जितना दूरी पर जाएगा तो उसके d square के proportional होएगा, 1 by d square के proportional, if d is very very large as compared to x. अब दूसरी situation, if d is very very small as compared to x, इस केस में मैं कहूंगा 4d स्क्वायर वुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x स्क्वायर. 4d स्क्वायर वुड बी स्मॉल एज कंपेयर टू x स्क्वायर. और ऐसी कंडीशन में मैं अब क्या कह दूंगा, 4d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वुड बी नियरली इक्वल टू x स्क्वायर बिकॉज़ एडिंग दिस स्मॉल क्वांटिटी टू दिस, this would be negligible quantity as compared to this, तो इसको nearly x square लिखा जा सकेगा. अब once again इस concept को मैं इधर लगा देता हूँ, d is equal to mu naught by 4 pi into 2i by d into x upon 4d square plus x square की जगह मैं under root of x square लिखूँगा, nearly equal to x square cancelled. B हो गया nearly equal to mu naught by 4 pi into 2i by d, or B is proportional to 1 by d in this situation. This is potent problem. Let us solve now 9th problem. पहले 9th कर लेते हैं. Let's solve 9th problem. First, figure show two parallel wires separated by a distance of 4 cm. तो ध्यान से देख ले situation कहाँ है. हाँ, ये दे रखी है, दो parallel wire board से बाहर आते समय, board से बाहर आते हुए carrying equal current of 10 ampere along opposite direction. Find magnitude of magnetic field at point A1, A2, A3 and A4. देखिए, मैं situation समझा दूँ. एक wire में current बाहर की तरफ ऐसे आ रहा है और एक wire में current अंदर की तरफ है. दोनों वायर में सेपरेशन है 4 सेंटीमीटर. दोनों वायर में जो करंट है 10 एम्पियर, इसमें भी 10 एम्पियर, इक्वल करंट बट अपोजिट. मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A1, A2, A3 एंड A4. अब देखिए, A1 कहीं इधर है, पॉइंट A1 कहीं इधर है और A2 कहीं इधर है और A3 ठीक बीच में है. A4 2 सेंटीमीटर ऊपर है. अब मैं अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताता हूं. यह 2 सेंटीमीटर, यह 1 सेंटीमीटर और ये ठीक बीच में 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर. हम अच्छी तरह से जानते हैं स्ट्रेट इनफिनिट लॉन्ग वायर की वजह से
मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2 आई बाय डी। 10^-7 इनटू 2 इनटू 10 बाय डी। टू कांस्टेंट आई इक्वल टू 10 में इसलिए लिख दे रहा हूं कि दोनों ही वायर में करंट 10 है, इसलिए 2 × 10^-6 बाय डी। अब मैं डी देखता जाऊंगा, उसका डायरेक्शन देखता जाऊंगा और अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताता जाऊंगा। एट ए वन देखिए, ए वन पर यह जो पॉइंट ए वन है इस पर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, इस वायर को मैं इस तरह से होल्ड करूंगा अंगूठे की डायरेक्शन इनटू द पोर्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी बी वन ऊपर की तरफ। और इस वायर की वजह से मैं इस वायर को ऐसे होल्ड करूंगा, अंगूठा बाहर की तरफ, करंट बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी नीचे की तरफ। नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूं मैं, एट ए वन बी इज इक्वल टू 2 × 10^-6 अपॉन डी। इधर डी लिखूंगा 0.02 माइनस, ये ऊपर है इसलिए इसको प्लस, जो नीचे है इसलिए माइनस, 2 × 10^-6। इधर से इसकी दूरी हो गई 6 सेंटीमीटर, 0.06। यह पॉइंट ए वन पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब पॉइंट ए टू पर लिख देता हूं, एट ए टू पॉइंट जो कि इधर है, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूं, तो इस वायर को मैं ऐसे होल्ड करूंगा और अंगूठा इनटू द बोर्ड, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन बी वन ऐसा होगा, और इस वायर की वजह से इस वायर को ऐसे होल्ड करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी टू भी नीचे की तरफ, तो पॉइंट ए टू पर मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा 2 × 10^-6 अपॉन 1 सेंटीमीटर की दूरी है, तो 0.01 प्लस, दोनों ऐड इसलिए होंगे क्योंकि दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, 2 × 10^-6 अपॉन, इधर से दूरी है 3 सेंटीमीटर, 0.0। यह पॉइंट ए टू पर मैग्नेटिक फील्ड, ए थ्री पर भी सेम कंसेप्ट आ जाएगा, एट ए थ्री पॉइंट ए थ्री पर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसे ऐसे होल्ड करूंगा तो नीचे की तरफ बी वन, और इसकी वजह से ऐसे होल्ड करूंगा तो इसकी वजह से भी नीचे की तरफ, दोनों की वजह से नीचे की तरफ, पॉइंट ए थ्री पर जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा वंस अगेन बी इक्वल टू 2 × 10^-6 अपॉन 0.03 प्लस 2 × 10^-3 अपॉन 0.03। अब एट ए फोर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैग्नेट्यूड बताना है, डायरेक्शन नहीं बताना है, पर हम मैग्नेट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही समझने की कोशिश करेंगे। इस वायर की वजह से मैं ऐसे होल्ड करूंगा अंगूठा इनटू द बोर्ड और फिर कहूंगा कि इस पॉइंट को इस वायर से जब हम जोड़ते हैं तो ऐसा है, ऐसे जोड़ मैग्नेटिक फील्ड का
यह डायरेक्शन होगा D1। और अब इस वायर की ऐसे देख लेते हैं, ऐसे होल्ड करते हैं तो इस पॉइंट पर V2 का यह डायरेक्शन। क्योंकि यह भी 2 सेंटीमीटर है, यह भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये जो दूरी होगी, यह जो दूरी होगी, दिस डिस्टेंस वुड बी 2√2। दिस इज D। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 का मैग्नीट्यूड यदि मैं लिखूं, B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ B1 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वुड बी 2 × 10⁻⁶ अपॉन 2√2 × 10⁻²। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ B, 1√2 × 10⁻⁴। यह मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा। मगर नेट बी निकालने के लिए हम कहेंगे इन दोनों का वेक्टर सम, वेक्टरिकली जब हम ऐड करेंगे तो B1 का cos 45 कंपोनेंट और B2 का cos 45 कंपोनेंट दोनों ऐड अप हो जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज B cos और B1 cos 45 प्लस B2 cos 45, तो दिस वुड बी इक्वल टू 2 times B1 की जगह 1√2 × 10⁻⁴ cos 45 की जगह। This would be the magnetic field. And this is 9th problem. अब हम 16th problem का डालेंगे। ध्यान से ऐसे देख लीजिए पहले, कहीं कोई डाउट हो तो जरूर पूछो। Now, let's solve 16th problem. A long straight wire carries current I. The long straight wire and it carries current I. Let B1 be magnetic field at point P at a distance D from the wire. This is point P at a distance of D. Consider a section of length L of this wire such that point P lies on perpendicular bisector of this length. Let B2 be magnetic field at this point due to this section. तो इनफाइनाइट लॉन्ग है, और एक दूसरी कंडीशन कि यह एक फाइनाइट लेंथ का वायर है जिसकी की लेंथ L है, और D की दूरी पर यह पॉइंट P है, और इस पॉइंट पर फील्ड B1 है और इस पॉइंट पर फील्ड B2 है। B2 भी मैग्नेटिक फील्ड इट डिफर बाय B1 बाय 1%। B2 और B1 में 1% का डिफरेंस हो, देखिए इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होएगा B1 ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इज μ0 बाय 4π × 2I/D। यह B1 के लिए एक्सप्रेशन हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब B2 के लिए एक्सप्रेशन हम रिकॉल कर लेते हैं। यदि फाइनाइट लेंथ का वायर हो तो हम अच्छी तरह से जानते हैं B2 इज μ0 बाय 4π × I/D। I इज करंट इन द वायर, D इज द डिस्टेंस इनटू cos θ1 प्लस cos θ2, वेयर दिस एंगल यूज टू बी θ1 एंड θ2। cos θ1 प्लस
cos theta 2, ये हम जानते हैं, मगर इस केस में हम ऐसे लिख देंगे v2 equal to mu naught by 4 pi into I by d, और cos theta की जगह हम लिखेंगे cos theta 1 cos theta 2 बराबर, क्योंकि bisector है, cos theta की जगह पर L by 2 upon under root of L square by 4 plus D square. L square by 4 plus D square. अब V2 is mu naught by 4 pi into I by D, और इधर हम लिख देंगे L upon under root of L square plus L square plus 4D square. ये हमने लिख दिया. अब उन्हें कहा है B1 and B2 differ by 1%. इसका मतलब B2 upon B1 होना चाहिए 99 upon 100. B2, B1 यदि 100 है तो B1 होना चाहिए उससे 1% कम, मतलब 99. तो B2 upon B1 का रेशियो 99 by 100 होना चाहिए. अब हम इसी चीज को करते हैं, B2 की जगह पर हम यह लिखेंगे mu naught upon 4 pi into I by D into L by under root of L square plus 4D square. ये तो हुआ B2, और B1 की जगह पर हम लिखेंगे mu naught upon 4 pi into 2I by D. This is equal to 99 upon 100. यहां हमने प्रॉब्लम की कंडीशन अप्लाई कर, जो कंडीशन वो चाहते हैं. अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. म्यू नॉट बाय 4 पाई कैंसिल, आई से आई कैंसिल, डी से डी कैंसिल. अब इधर जो मुझे दिख रहा है L अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर इक्वल टू 99 अपॉन 100. थ्रूआउट क्यों ना मैं एक काम करूं, इसको रेसिप्रोकेट कर दो. पहले तो रेसिप्रोकेट कर देता हूं, तो 2 अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर अपॉन L इज इक्वल टू 100 अपॉन 99. L अंदर ले जाओ और 2 काट दो, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4D स्क्वायर बाय L स्क्वायर इज इक्वल टू 50 अपॉन 99. तो गलती हो गई. कल इधर 2 का टर्म मैंने नहीं लिखा, इसी समय इधर 2 का टर्म लिखना होगा, क्योंकि cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 है, इसलिए 2 into. और इधर भी 2 का टर्म आएगा और यह 2 का टर्म भी कैंसिल होएगा, और इस जगह से फिर यह 2 का फैक्टर हट जाएगा, इधर भी 2 का फैक्टर हट जाएगा, और इधर 100 बाय 99 ही लिखा रह जाएगा, 100 बाय 99. आई होप अब तो बढ़िया.
आसानी से हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो स्क्वायर कर लीजिए, या चाहे तो बाइनोमियल लगा के भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई खास नहीं है, क्योंकि ये जो टर्म है दिस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वन, ये चीज इधर से भी दिख रही है। तो बाइनोमियल लगा के मैं लिख देता हूं, वन प्लस टू डी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, वन प्लस एक्स टू दी पावर एन इज वन प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू वन बाय टू, तो यह हो गई इज इक्वल टू 100 बाय 99, तो 2 डी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 99 और डी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 198 और डी बाय एल इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 198। यही चीज हमने पूछ रखी थी, सॉल्व कर लीजिए। एंड दैट्स ऑल रिगार्डिंग द डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 16 डीपीएस 1 का डिस्कशन आज कर दिया। विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन विद डीपीएस नंबर 2, डीपीएस नंबर 3 एंड 4, 5 दे आफ्टर। दैट्स ऑल कमिंग लेक्चर्स आज के लिए।